नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और जल्दी से समय ना गवाए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं, जिसका टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जो इंग्लिश ग्रामर में ए एन और द होता है। इस वीडियो में मैंने कंप्लीट रूल्स को कवर किया हुआ है, जो कि हम इसके बाद मुझे नहीं लगता आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत होने वाली है। तो कंप्लीट रूल्स को आपको देखना है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो आर्टिकल्स का क्या डेफिनेशन होता है? आर्टिकल्स मीन्स विच इज यूज टू मॉडिफाई नाउन्स, जो भी नाउन को मॉडिफाई करने के काम आता है उसको, या फिर तो वो नाउन को पर्टिकुलराइज करता है या फिर नाउन को नॉन पर्टिकुलराइज कर देता है। तो यहाँ पर जो होते हैं हमारे आर्टिकल्स, टू टाइप के होते हैं। वन इज ए एंड एन, ये दोनों एक ही काम आते हैं। ए और एन एक ही है, आगे मैं बताऊंगी एक कैसे होते हैं। और जो हमारा सेकंड है, सेकंड मींस हमारा जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो होता है द। इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन को कहा जाता है, और डेफिनेट आर्टिकल्स किसको कहा जाता है? द को। चलिए आगे बात करते हैं। मॉडर्न इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इनमें इसको, जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं उनको डिटरमिनर्स की कैटेगरी में भी रखा गया है। डिटरमिनर्स काफ़ी होते हैं, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल्स को भी, जो डिटरमिन करने के काम आते हैं, किसी भी नाउन को डिटरमिन करने के जो काम आए, निश्चित करने के जो काम आए, उसमें उसको डिटरमिनर्स भी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ही इज़ अ बॉय। यहाँ पर सिंगल काउंटेबल नाउन में एक डिफाइन किया गया है कि जो लड़का है वो सिर्फ एक है, ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है। तो यहाँ पर हमें पता है, हमें नंबर पता चल गया कि वो जो लड़का है वो सिर्फ एक लड़का है। चलिए हम बात करते हैं आगे इनकी प्रोनाउंसिएशन की। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दूँ कि जब भी हम इंग्लिश की बात करते हैं, जो आपका प्रोनाउंसिएशन होता है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। आपको स्पेलिंग पर ध्यान नहीं देना है, स्पेलिंग पर बाद में ध्यान देना है। सबसे पहले जब आप डिफाइन करते हैं कि कौन सा आर्टिकल आपको लगाना है, तो आप हमेशा ध्यान में रखिए कि आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन का पता होना चाहिए कि किसी शब्द का प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि आर्टिकल को किस तरह से उच्चारण किया जाता है, इट मीन्स प्रोनाउंस किया जाता है। यहाँ पर आप चार्ट देख रहे होंगे कि यहाँ पर चार्ट में वीक फॉर्म्स एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स लिखा हुआ है। जब भी हम ए को अप्रोनाउंस करते हैं, इट मीन्स जब मैं फ्लो में बोल रही होती हूँ, स्ट्रेस नहीं देती हूँ ए के ऊपर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, व्हाट अ नाइस मूवी। तो जब भी मैंने इसको फ्लो में बोला तो मैंने व्हाट अ का यूज़ किया, इट मीन्स मैंने उस पर स्ट्रेस नहीं दिया। तो जब भी हम ए को वीक फॉर्म में पढ़ते हैं तो इसको हम अ प्रोनाउंस करते हैं, जैसे व्हाट अ नाइस लेडी, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। और जब भी हम स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स मीन्स जब मैं किसी भी शब्द पर स्ट्रेस देकर बात करती हूँ, जैसे ए, ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ गर्ल। यहाँ पर मैं उसको वीकर फॉर्म में ले रही हूँ, लेकिन जब भी मैं ए करती हूँ, जैसे ए अ गर्ल, यहाँ पर मैं जब ए की बात करती हूँ तो उसको हम ए प्रोनाउंस करते हैं स्ट्रॉन्ग फॉर्म में, जब भी मैं उस पर स्ट्रेस देकर बात करती हूँ। ए फॉर, बहुत जब भी आप पढ़ें तो आप देख सकते हैं कि ए पर जब भी मैं स्ट्रेस दूंगी तो मैं उसको ए प्रोनाउंस करूंगी। अगली प्रोनाउंसिएशन की तरफ हम बढ़ते हैं कि एन का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। एन को जब हम अन बोलते हैं, इट मीन्स मैं बात कर रही हूँ यूके के प्रोनाउंसिएशन की। जब भी हम यूके का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हम अन का यूज़ करते हैं, और जब मैं एन की बात करती हूँ, एन मीन्स जब हम यहाँ पर US, इट मीन्स अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन को प्रेफर करते हैं, तो कुछ जो हमारी इंडिया में है, दोनों ही टाइप का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर चलता है। इसलिए इसमें जो हम करते हैं अपना, हमारा दोनों प्रोनाउंसिएशन रहता है। N का प्रोनाउंसिएशन N होता है जब भी ये UK, इट मीन्स ब्रिटिश इंग्लिश की मैं बात करती हूँ, और एन तब होता है जब मैं अमेरिकन इंग्लिश और प्रोनाउंसिएशन की बात कर रही होती हूँ। द का को दो तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, द और दी। द प्रोनाउंस किया जाता है जब ये किसी कॉन्सोनेंट से पहले आया हो,
और डी प्रोनाउंस किया जाता है जब ये किसी वाउल से पहले आता है। जैसे इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है दी एंड। जब भी मूवी देखते हैं तो वहां पर प्रोनाउंसिएशन होता है दी, दी एंड। चलिए अब काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं कि आर्टिकल, अभी मैंने आपको बताया कि टू टाइप्स का होता है, डेफिनेट, इनडेफिनिट और डेफिनिट। ये दो टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं। इनडेफिनिट इज इट मीन्स दैट हैज़ नो लिमिट्स, इट मीन्स जिसका लिमिट नहीं होता, निश्चित नहीं होते, उनको निश्चित करने के लिए इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल्स इसलिए हैं क्योंकि अनिश्चित व्यक्ति यानी इनडेफिनिट पर्सन और थिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको ये फिक्स करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, डेफिनेट बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। लाइक हम अभी ऊपर देखा, ही इज़ अ बॉय, वहाँ मैंने डेफिनेट कर दिया उसको कि वो एक लड़का है, इसलिए इनको हम इनडेफिनेट कहते हैं। और इनका प्रयोग इनडेफिनेट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। हमेशा याद रखिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन वो नाउन जो काउंट की जा सकती हो, जिनका नंबर होता हो। इट मीन्स बॉय एक भी हो सकता है, देयर आर थ्री बॉयज, देयर आर फोर बॉयज। तो हमेशा ये जब भी किसी नाउन के पीछे एस लग जाता है, जैसे यहाँ पर बॉयज हो गया, तो जब भी एस लग जाता है तो ये प्लूरल हो गया। लेकिन जब एस नहीं लगता, जब एस नहीं है यहाँ पर, लाइक ये है बॉय, इट मीन्स ये हुआ सिंगुलर काउंटेबल, इट मीन्स मैं इसको काउंट कर सकती हूँ, अ मैंने लगा दिया अ, और ये एक नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ही इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है, सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ध्यान रखिए, जिनको आप गिन सकते हैं उनको कहा जाता है काउंटेबल नाउन, कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। एग्जाम्पल देखिए आप, सी शी सैंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गाती है, एक गाना, इट मीन्स मैंने इसको मॉडिफाई किया है नाउन को, इट मीन्स मैंने इसको नंबर दिया है अ सॉन्ग, राइट। आई हैव अ पेन, जया इज अ गर्ल, तो यहाँ पर मैंने इनको नंबर दिया है। द पुलिस हैव कॉच अ थिफ, एन MLA डाइड इन एन एक्सीडेंट। अब यहाँ देखिए, जब एन हम लगाते हैं तो अगर वाउल साउंड से पहले कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया है, यानी वाउल हमारे कौन कौन से होते हैं, वाउल साउंड होते हैं हमारे अ, अन, अ, अगर हम बात करें सॉरी यहाँ पर तो अ, ई, आ। वाउल साउंड क्या होते हैं हमारे, वाउल साउंड होते हैं, सिर्फ आप इंग्लिश के ए ई आई ओ यू पर नहीं जाइए, हम जनरली क्या करते हैं, हम ये पढ़कर आए हैं ए ई आई ओ यू, लेकिन हम जब इसको यू बोलते हैं तो इसके पहले हम एन का यूज़ नहीं करते। अब हम इस वीडियो में आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी कि आपको हर एक रूल को मैंने खोल कर समझाया है। आपको जो वाउल साउंड का यूज़ करना है वो करना है इन शब्दों से पहले। जब भी आप वाउल साउंड किने कहते हैं, हम साउंड की बात कर रहे हैं, इट मीन्स अ, आ, ई, ई, जो भी शब्द इन शब्दों से बन रहे हैं, अ, आ, ई, ई, उ, उ, ए, ए, उ, बड़ा उ, ए, ए, अ, या फिर अह, ये जो साउंड होते हैं हमारे, ये आप ये मत सोचिए कि ये तो हिंदी के साउंड है, लेकिन इंग्लिश में भी ये जो साउंड्स होते हैं इनसे पहले एन का यूज़ किया जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एन एक्सीडेंट, या फिर एन एप्पल, एक्सीडेंट, एप्पल, इंक पोट, ये देखिए ई से शुरू हो रहा है, ये अ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर इसलिए इनका इस्तेमाल जो है यहाँ पर ए और एन से किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये देखिए कि हम द का यूज़ कब करते हैं। द का यूज़ तब होता है जब हम किसी भी चीज़ को पहले से जानते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, बबीता बोट अ सारी, ये है, मैंने इस नाउन को पहले खुद से फमिलियर किया कि बबीता बोट अ सारी,
यहाँ पर बबीता ने एक साड़ी खरीदी, और द का यूज तब होता है जब हम उस चीज़ को पहले से जानते हों, या फिर जो भी हमारा लिसनर होता है वो उस चीज़ से फमिलियर हो जाए। शी फाउंड अ बैग, द बैग इज, देखिए द का जो यूज़ नेक्स्ट लाइन में भी आ रहा है वो कैसे आ रहा है कि द को जब शी फाउंड अ बैग, जब तक बैग उसके लिए अननोन था, यहाँ पर बैग अननोन है तो मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने अ का यूज़ किया है, इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया है, लेकिन जब वो मेरे लिए जब मैं उससे फमिलियर हो गई तो यहाँ पर यूज़ किया हुआ है द बैग, या फिर हमारा जो रीडर है उससे फमिलियर हो गया जो भी ये सेंटेंस को पढ़ेगा, यहाँ पर हमें पता चल गया शी फाउंड अ बैग एंड द बैग कंटेंट अ कॉइन, उस बैग में क्या है ये भी मुझे पता चल गया। द कॉइन वॉज मेड ऑफ सिल्वर, तो यहाँ पर जब कॉइन है, कॉइन से रिलेटेड मैंने कहा द कॉइन वाज, मुझे पता है वो सिल्वर का है, तो जब भी हम द का यूज़ करते हैं तो द डेफिनेट आर्टिकल होता है तो जिसको हम पहले से जानते हैं। तो अभी हम जब यहाँ बात करने वाले हैं करेंगे हम कि ए और एन का यूज़ क्या क्या यूज़ होता है, ए और एन का कैसे यूज़ किया जाता है। तो यूज़ ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स की सबसे पहले हम बात करेंगे कि ए और एन का यूज़ कहाँ और कैसे करना चाहिए। तो चलिए रूल नंबर वन की तरफ हम देखते हैं कि रूल नंबर वन हमारा क्या है। ए और एन जो होता है इनडेफिनेट आर्टिकल होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये सिर्फ इनडेफिनेट सिंगुलर काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन वो होती है जिनको आप गिन सकते हो, यानी एक दो तीन चार पाँच, ये हमेशा किसी सिंगुलर के साथ आता है, जैसे देयर इज़ अ गर्ल, सिर्फ एक लड़की, एक को बताने के लिए ए और एन का दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ एन एप्पल, देखिए यहाँ पर ए है, ए मीन्स अ यानी एक लड़की, एन एप्पल एक एप्पल, यहाँ पर एन एप्पल क्योंकि वाउल साउंड से शुरुआत हुई है, इसकी शुरुआत जो हुई है अ हमारी वाउल साउंड से हुई है, एप्पल एप्पल जो होता है हमारा ए से शुरू होता है, इट मीन्स वाउल साउंड से स्वर से शुरू होता है, इसलिए इसके पहले एन आया। और यहाँ पर जो हम थर्ड एग्जांपल देख रहे हैं शी इज़ अ स्टूडेंट, ये है कॉन्सनेंट साउंड, स जो है हमारा कॉन्सनेंट साउंड है, कॉन्सनेंट साउंड के पहले हमारा हमेशा अ का इस्तेमाल होता है, लेकिन ध्यान रखिए हमेशा सिंगुलर जो नाउन होना चाहिए वो आपका काउंटेबल होना चाहिए, सिर्फ ए और एन का इस्तेमाल सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। अब देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब, एडवर्ब जो होती है एडजेक्टिव, इट मींस जो वर्ब एडजेक्टिव का भी काम करे वो आ रही हो और उसके बाद किसी एडजेक्टिव का यूज़ हुआ हो, तो आर्टिकल जो होता है हमारा उस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के पहले किया जाता है। देखिए इसका आप फॉर्मेट देखिए, यहाँ पर आपको फॉर्मेट दिखाया जा रहा है, शी इज़ अ गर्ल, यहाँ पर है सिंगुलर काउंटेबल नाउन हमारा, सिंपली सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सेकंड जो सा हमारा आ रहा है, सेकंड जो हमारा एग्जांपल है एडजेक्टिव के साथ है, शी इज़ अ, तो एडजेक्टिव से पहले हमारा आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। थर्ड आप सेंटेंस देख सकते हैं, थर्ड सेंटेंस में आप देखिए यहाँ पर शी इज़ अ एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब एडजेक्टिव एंड सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जो हमारा नाउन है वो सबसे बाद में चला गया और जो हमारा यहाँ पर आर्टिकल है ये देखिए आर्टिकल कहाँ पर आया, एडजेक्टिव से पहले आया। तो जब भी हम इन को देखते हैं और हमारा ये जो नाउन होता है काउंटेबल नाउन होता है एडजेक्टिव या एडवर्ब से के साथ आया हो तो हमारा जो आर्टिकल है वो इन दोनों से पहले लगाया जाता है। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं प्रोनंसिएशन की, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि इनका प्रोनंसिएशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, प्रोनंसिएशन हमेशा जो आप सुनते हैं, जो प्रोनंसिएशन वो होता है जो आप सुनते हैं, यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो आपको इन शब्दों को नहीं देखना है, ये सुनाई कैसे आते हैं उनको देखना है। चलिए देखते हैं, इट इज़ अ बुक, ब से शुरू हो रहा है इसलिए अ का इस्तेमाल हुआ, नेक्स्ट आप देखिए प से शुरू हो रहा है, प से पेन इसलिए अ का यूज़ हुआ, इंडियन ई से शुरू हुआ हमारा, इंडियन जो है हमारा किस चीज़ से शुरू हुआ, ई से, तो इसलिए हमने क्या लगाया एन इंडियन लगाया। दैट यहाँ पर आप देखिए शुरुआत तो इसकी अगर हम स्पेलिंग को देखें तो यू से हो रही है, लेकिन अगर हम देखें यू से शुरुआत होने के बावजूद भी ये
एन को यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो एन लगाया हुआ है वो क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि आप ये देखिए ये वाली प्रोनाउंसिएशन आपको देखनी है, ये हमें सुनाई आ रही है, इट मीन्स अम्ब्रेला। अम्ब्रेला अ से शुरू हो रहा है। नेक्स्ट आप देखिए, अगर हम यू को, अक्सर हम कहते हैं कि यू हमारा जो होता है वो वाउल होता है, लेकिन ये सिर्फ स्पेलिंग में होता है कि यू को हमने दे दिया, लेकिन अगर इस शब्द का, इस अल्फ़ाबेट का प्रोनाउंसिएशन आ हो, इस अल्फ़ाबेट का प्रोनाउंसिएशन आपका आ हो, लाइक यहाँ पर देखिए सेकंड में आ यूनिट, यूनिट य से शुरू हो रहा है, तो हमारा ये कॉन्सनेंट माना जाता है। लेकिन अगर ये अस ये प्रोनाउंस हो रहा हो, लाइक उर्दू, यहाँ पर ऊ प्रोनाउंस हो रहा है इसलिए इससे पहले एन आया। तो आपको प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखना है कि आप जो प्रोनाउंस कर रहे हैं वो एक्चुअल में क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं और किस तरह से ये प्रोनाउंस हो रहा है। चलिए और इसके सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर देखिए एच जो होता है हमारा, यहाँ पर आप एच देख रहे हैं, जब ये आ रहा है ह, ह के तौर पर, तो मैंने इससे पहले अ का यूज़ किया। लेकिन आप नेक्स्ट देखिए, ये देखिए यहाँ पर जब हमारा ये अ के तो तरीके से सुनाई आ रहा है, द ट्रेन इज़ एन आवर लेट, आवर मीन्स क्या हुआ, घंटा, ठीक है, एक घंटा लेट है। तो यहाँ पर जब ये एक घंटे को आवर अ के साथ प्रोनाउंस किया जा रहा है, तो इससे पहले एन जो है लगाया गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यू, इसको शुरुआत तो इसकी ई से हो रही है, आप देख रहे होंगे ये तो ई से शुरुआत हो रहा है, फिर इसके आगे तो एन लगना चाहिए, लेकिन इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन है यू, इसको यू प्रोनाउंस किया जाता है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट में आप देख सकते हैं ही इज एन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट एक्स, यानी ये ए से शुरू हो रहा है। नेक्स्ट ये शुरुआत तो इसको अगर हम अल्फ़ाबेट देखें, स्पेलिंग देखें, हो तो ई से रही है, लेकिन एक्चुअल में ये ई से प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, यूरोपियन नहीं कहेंगे हम इसे, यो यूरोपियन कहेंगे। तो यो जो साउंड है हमारा वो वाउल स्वर का साउंड नहीं होता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ओ लिखेंगे। आपके टेस्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो जब आप टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि कहाँ पर अ यूज़ होगा और कहाँ पर एन। ये देखिए एन एम्प्लॉय, एन, अब यहाँ पर ई य के तौर पर शुरू हो रहा था, साइलेंट था ई, यहाँ पर ई जो है वो प्रोनाउंस हो रहा है एम्प्लॉय। यहाँ पर देखिए य जो है वो यू जो है वो य से प्रोनाउंस बोला जा रहा है, तो यूनिवर्सिटी है य से सुनाई आ रहा है, तो हम इससे पहले अ लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए एम्पायर, यूजलेस, अनफिट, अनफिट देखिए तीनों ही यू से शुरू हो रहे हैं और तीनों की प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, अम्पायर, यूजलेस, अनफिट, ठीक है। नेक्स्ट पे आप चलिए, यहाँ पर हम देखते हैं वन वे, स्पेलिंग को अगर आप ध्यान रखोगे तो आप ये तो देखोगे ये तो ओ से शुरू हो रहा है, लेकिन ये देखिए अ, वन वे, लेकिन अगर आप इसको प्रोनाउंस करो तो ये व है, व कोई हमारा स्वर का वाउल साउंड नहीं होता, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, हम इससे पहले आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। ये देखिए एनॉक्स, क्योंकि अ से शुरू हो रहा है, वन व, एक बार फिर से ये व से शुरू हो रहा है, तो हम यहाँ पर अ का यूज़ करेंगे। ऑरेटर, हॉस्टल, ऑनेस्ट, हॉस्टल इट मीन्स ह, ऑनेस्ट इट मीन्स ओ, हिंदू ह, ऑनरेबल एन। तो यहाँ पर आपको प्रोनाउंसिएशन का खास ध्यान देना है, ये देखिए ये आपके टेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है और इसमें से आपका टेस्ट आ सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये सबसे खास है और ये आपके टेस्ट में सबसे ज़्यादा दिया जा सकता है, जब हम एब्रीविएशंस का यूज़ करते हैं। एब्रीविएशंस कहते हैं जब भी हम किसी डेजिग्नेशन को या फिर किसी भी चीज़ को, नाउन होना चाहिए, ध्यान रखिए नाउन होना चाहिए कोई डेजिग्नेशन या फिर किसी क्लास को, जैसे आप बीए के स्टूडेंट हैं तो ही इज़ अ बीए, यहाँ पर देखिए अ बीए, लेकिन यहाँ देखिए एमए, जैसे ही एम आ रहा है तो आप कहोगे एम से पहले क्यों है, एम से पहले एन क्यों है, बी से पहले ए क्यों है। तो अब जरा आप ये ना देखकर कुछ इस तरह पढ़िए, ब, ये शुरू हो रहा है, ही इज़ अ बी ए स्टूडेंट, बी, एब्रीविएशन जब भी हम संक्षिप्त शब्दों की बात करते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं एम की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर
एम की, तो एम को आप सिर्फ एम ना देख करके ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ये जो ये साउंड है, ये जो ए साउंड है, ये आपकी स्वर की आवाज़ है। इसको, इसका साउंड देखना है, स्वर की आवाज़ है। तो स्वर से पहले हमारा रूल है कि स्वर से पहले क्या आता है हमारा, स्वर से पहले हमारा हमेशा एन इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए एम से पहले एन आया और बी से पहले ए आया, जब आपने, हमने बी ए की बात की। नेक्स्ट आप रूल देखिए, ही इज़ एन आई एस ऑफिसर, आई ए एस ऑफिसर। तो ये सिंपल है, आई ए एस आई से शुरू हो रहा है, ये पी से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ए आया, सिंपल है ये। नेक्स्ट देखिए, हमें कुछ इस तरह से देखना है, जब हम बात करते हैं डी एम, तो यहाँ पर ये डी है, नो प्रॉब्लम, ए आएगा। यहाँ पर ब है, बी डी ओ, तो यहाँ पर भी ए आएगा, लेकिन एन एम, यहाँ पर एन एम बी बी एस, यहाँ पर एन इसलिए आया है क्योंकि ये एम प्रोनाउंस हो रहा है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं एन एस पी। अब एस से पहले एन क्यों आया है, अब फिर से आपको ऐसे देखना है, एस का ये देखें। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आप मंकी बोल रहे हो, कि हमने कहा एन मंकी, तो आप एन मंकी नहीं बोलेंगे, मंकी में प्रनाउंस म से हो रहा है, तो वहाँ पर अ मंकी आएगा, वहाँ पर जो आएगा आपका क्या आएगा, अ मंकी, ठीक है। अगर आप हर चीज़ में, हर एम से पहले आप इसको ये एन नहीं लगा सकते, सिर्फ जब ये एब्रीविएशन में आ रहा हो, अ मंकी इट मीन्स एक बंदर, मंकी, मंकी आपका म से शुरू हो रहा है। या फिर अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देखिए स भी है, एन एस, जब भी आपके स साउंड की प्रोनाउंसिएशन एस प्रोनाउंस हो, लाइक एस डी ओ, एस डी एम, तो यहाँ पर एन का यूज़ होगा। लेकिन जब मैं किसी भी, आपको स को एज अ वर्ड यूज़ कर रही हूँ, लाइक शी इज़ अ स्पेशल ऑफिसर, शी इज़ अ स्पेशल, स्पेशल, जब मैंने स को स की तरह प्रोनाउंस किया, तो उससे पहले अ का यूज़ ही होगा, इट मीन्स एन नहीं आएगा, अ का यूज़ ही होगा, एन स्पेशल ऑफिसर। ये सिर्फ एन इसलिए यहाँ पर आ रहा है क्योंकि ये एस, ऐसे आपका सुनाई आ रहा है, ये इससे पहले, तो आपको प्रोनाउंसिएशन पे खासा ध्यान देना है। नेक्स्ट आप कुछ और एग्जांपल्स देखिए, एफ़ के साथ भी सेम यही रूल है, एक्सरे के साथ भी एफ, आपको ये देखना है। लेकिन जब मैं फॉरेस्ट की बात कर रही हूँ और आपका एफ एज अ फ आई, आई लिव इन अ फॉरेस्ट, अ फॉरेस्ट, इट मीन्स अ तब प्रोनाउंस होगा, अ तब प्रोनाउंस होगा जब इसको फ बोला जाए। लेकिन अगर मैं यहाँ एब्रीविएशंस की बात कर रही हूँ और वो एफ करके बोला जा रहा है, एफ, तो यहाँ पर एन का इस्तेमाल हुआ है। सेम बात आएगी एक्सरे के साथ, एक्स बोला कैसे जाता है, एक्स, जब भी आपके इस साउंड को, एक्स साउंड को एक्स बोला जाए, जहाँ भी बोला जाए, उसको आप एन के तरीके से, एन उससे पहले लाएंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है एन एक्सरे। लेकिन जब भी मैं जेरोक्स की बात करती हूँ, ठीक है, जेरोक्स की बात कर रही हूँ, जब जेरोक्स की बात कर रही हूँ, तो जेरोक्स में एक्स को कैसे साउंड किया जा रहा है, ज साउंड आ रहा है, तो ज से पहले, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड में बदल गया है, तो इससे पहले हमेशा अ का यूज़ होता है, तो आप हमेशा साउंड पे ध्यान रखेंगे। ये सेंटेंस देखिए जो आपके टेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, आई हैव एन एक्सरे मशीन, यहाँ पर सेंटेंस गलत है। तो यहाँ पर देखिए, आपको सही और गलत सेंटेंस को भी दिखाया गया है, ठीक है। ही लॉस्ड एन एफ आई आर, धर्मेंद्र इज़ अ, अ नहीं आएगा, एन आएगा, एन सी सी ऑफिसर, राइट। प्रोफेशन यानी किसी के व्यवसाय से पहले भी ए एन का यूज़ किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जो यूज़ किया जा रहा है अ एन, प्रोफेशन से पहले एन एस डी ओ, नर्स अ नर्स, ये देखिए अ नर्स, अ कारपेंटर, एंड मिस्टर सिन्हा इज़ एन इंजीनियर, ई से साउंड आ रहा है, इसलिए ये सिंपल है, ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं
एक यानी एक के अर्थ में जब ए एन का यूज किया जाता है तो भी ए एन का ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम कभी भी, जैसे हम किसी को बताना होता है कि ये एक चीज़ है, आई हैव अ पेन, आई हैव द काउ हैज़ अ टेल, तो ये आपके टेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये जितने भी सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ईच एंड एवरी अथवा प्रति, जब पर के तरीके से के अर्थ में ए एन का यूज़ किया जाता है तो देखिए कैसे किया जाता है। शी कैन रन 10 किलोमीटर्स एन आवर, इट मीन्स वो एक घंटे में 10 किलोमीटर भागती है, तो यहाँ पर भी एन का यूज़ किया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट रूल अपना देख लेते हैं, नंबर 7 पे आ जाते हैं हम। जब आपका कोई यानी कोई, इट मीन्स एनी, सम और सर्टेन के अर्थ में ए एन का यूज़ किया जाता है तो भी वहाँ पर ए एन का यूज़ किया जाता है, इट मीन्स ये भी आर्टिकल में बताया जाता है। सम इट मीन्स जब आप किसी व्यक्ति को जानते नहीं हो, इट मीन्स यहाँ पर देखिए अ मिस्टर शर्मा मतलब कोई आया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम रूल नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं, कोई इट मीन्स एनी, सम और सर्टेन के अर्थ में यदि ए एन का यूज़ किया जाता है तो कैसे किया जाता है, तो वहाँ पर ए एन का यूज़ किस किन कंडीशंस में किया जाता है। जब अ यानी कोई, सम असर्टेन इट मीन्स कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप पहले से नहीं मिले हैं, जैसे कि आप के घर कोई आता है और आप उस व्यक्ति को पहले नहीं जानते और वो अपने आप को बता रहा है कि वो कोई शर्मा है, तो आप जब कहते हैं कोई शर्मा बाहर आपसे मिलने आया है तो भी हम ए एन का यूज़ करते हैं। ए एन का यूज़ तो नहीं होता, एन का यूज़ आपका वही प्रोनाउंसिएशन और साउंड पे होता है, एन का यूज़ बाउल साउंड पे होता है, और ए का यूज़ कब होता है आपका, जब भी व्यंजन की आवाज़ हो एंड इट मीन्स कॉन्सनेंट की आवाज़ हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब आप हिंदी में अगर मैं सेंटेंस को बताऊँ, जब आप बताते हैं कोई मिस्टर शर्मा मिलने आए हैं तो उनका उसका एग्जैक्ट इंग्लिश जो मीनिंग आप सेंटेंस बनाएंगे, अ मिस्टर शर्मा वॉन्ट्स टू मीट द प्रिंसिपल, ही डिडेंट गिव मी अ नॉवल, अ नॉवल इट मीन्स मुझे नहीं पता कि उसे मुझे कौन सा नॉवल देना था। तो तब जब अनसर्टेनिटी हो और आपको नहीं पता हो कि वो चीज़ आप उसको पहले से नहीं जानते हो तो भी एक उस अनसर्टेनिटी और डाउटफुल को हम आर्टिकल से क्लैरिफाई करते हैं, इट मीन्स मॉडिफाई हो जाता है हमारा सेंटेंस। नेक्स्ट है जाति बताने के लिए, जाति, अब जाति में इट मीन्स कास्ट नहीं है यहाँ पर, जो जाति की मैं बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ किसी भी वर्ग की। वर्ग मीन्स जो हम बात कर रहे हैं किसी भी वर्ग में जब हम कोई व्यक्ति आता है, इट मीन्स वर्ग जैसे जानवर, यहाँ पर लिखा है अ ह्यूज एनिमल, वो एक बड़े जानवरों के वर्ग में आता है, यानी एन एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल, तो उससे पहले भी आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। अ पीकॉक इज अ बर्ड, यहाँ पर देखिए अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो उससे क्लास रिप्रेजेंटेशन बताने के लिए भी हम ए और एन का यूज करते हैं। आप इनको बिल्कुल ध्यान से देखिए, जितने भी यहाँ पर ये आ रहे हैं, काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला है लेकिन हर एक एग्जाम्पल में ये आपके टेस्ट के लिए काम आ सकते हैं। यहाँ पर देखिए नंबर 9 को हम देखते हैं, जब भी हम एक्सक्लेमनेशन के बारे में बात करते हैं, इट मीन्स व्हाट और हाउ का यूज़ करते हैं, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है उससे पहले हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक नेचुरल सा, जब हम किसी भी बिल्डिंग को देखते हैं, व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, व्हाट अ प्रीटी डॉल। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, नंबर 10 की तरफ पढ़ते हैं, जब वाक्य में वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता है तो उससे पहले ए और एन का यूज़ किया जाता है। जैसे सिंपल एग्जांपल है और ये शायद आप जानते भी होंगे, शी वेंट फॉर अ वॉक डेली, ये जितने भी सेंटेंस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं ये टेस्ट के लिए आपके सभी इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप इनको ध्यान से देखते जाइए। आई हैड अ लॉन्ग वॉक टॉक विद सुमन यस्टरडे, इट मीन्स मेरी बहुत लंबी बात हुई, यहाँ पर इसका मीनिंग एक नहीं है, अ लॉन्ग टॉक इट मीन्स एक जिक्र है यहाँ पर, तो उससे पहले हम आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। नंबर 11, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जब हम नंबर 11 की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जब हम किसी व्यक्ति इट मीन्स जो भी जाने माने व्यक्ति हैं उनके उनके अंदर जो खासियत होती है, इट मीन्स विशिष्ट व्यक्ति जो बहुत किसी खास क्वालिटी के साथ
लिए हुए व्यक्ति होते हैं, तो उनके संबंध में जब किसी व्यक्ति की तुलना करते हैं तो उस व्यक्ति के पहले ए और एन का यूज किया जाता है। ए और एन का कैसे यूज किया जाता है, एग्जाम्पल में देखिए, ही इज अ गांधी, ही इज अ गांधी, इट मीन्स गांधी, इट मीन्स ये नहीं कि मैं गांधी बन जाऊंगी, गांधी का मीनिंग होता है, इट मीन्स उसके अंदर गांधी जैसी खासियत है। शी इज अ लक्ष्मी बाई, वो लक्ष्मी बाई की तरह, मतलब उसके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है या फिर वो काम करती है वो लक्ष्मी बाई की तरह करती है। ही इज हिटलर, इट मीन्स हिटलर अपनी एक जाने माने एक खासियत की वजह से जाने जाते हैं। यहाँ पर जितने भी नाम लिखे गए हैं, गांधी जी के बारे में बात करें, लता मंगेशकर के बारे में बात करें, तो एक खासियत के लिए जाने जाते हैं। तो उन खासियत को अगर आप किसी के अंदर देखते हैं तो आप तब भी आर्टिकल का यूज़ करते हैं और उसके पहले आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, स्पेशली इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, इट मीन्स ए और एन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए रूल, ये कुछ फ्रेजेस हैं बच्चों, यहाँ पर इन फ्रेजेस से पहले, ये जितने भी फ्रेज आपको दिखाई दे रहे हैं इनसे पहले, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन के साथ आए हुए हैं, तो इनसे पहले हमेशा ए और एन का यूज़ किया जाता है। इनको आप चेंज नहीं कर सकते कि अगर कोई फ्रेज लिखा है तो आप उसके पहले किसी भी उसका यूज़ कर दें, कि आप जो भी यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको मॉडिफाई कर दें, नहीं, जो फ्रेज जैसे लिखा हुआ है आपको उसको वैसे ही लिखना होगा, क्योंकि फ्रेज अपने आप में एक वर्ड रिप्रेजेंट करते हैं, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। तो चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ फ्रेजेस हैं हमारे जिनको आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी लिखे हैं और यहाँ पर भी देखिए कुछ फ्रेज लिखे हुए हैं हमारे, ये देखिए, ये फ्रेज इतना इतना हमारा फ्रेज का जो है पार्ट है। तो आपको इनके नेक्स्ट हम रूल देखते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप ये देखिए, जब भी यहाँ पर आप किसी नाउन को, किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन को, इट मीन्स या फिर तो वो काउंट ही ना की जा सकती हो, जैसे गोल्ड को काउंट नहीं किया जा सकता, वाटर को काउंट नहीं किया जा सकता, ये जितने भी आप काउंट देख रहे हैं इनको काउंट नहीं किया जा सकता, और ये किसी आपकी किसी खासियत के साथ आए। यहाँ पर ये देखिए, गोल्ड को आप काउंट नहीं कर सकते, वाटर काउंट नहीं होता, और ये जब बिना किसी नाउन के आए तो यहाँ पर आप किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। अगर कोई भी अनकाउंटेबल नाउन जो आप देख रहे हैं, जो भी अनकाउंटेबल नाउन वो होती हैं जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, जैसे कि वाटर हो गया आपका, किसी क्वालिटी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नॉटी होना किसी का, किसी का इंटेलिजेंट होना आप काउंट नहीं कर सकते, वो एक इंटेलिजेंट है या फिर वो दो इंटेलिजेंट है, तो आप किसी की जब इंटेलिजेंसी काउंट नहीं कर सकते, किसी का बिहेवियर काउंट नहीं कर सकते, उनको अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। और अनकाउंटेबल नाउन के से पहले कभी भी, अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी आपका आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो यहाँ पर ये देखिए आपका सेंटेंस है, अ गोल्ड इज़ अ कॉस्टली मेटल, यहाँ पर आप ये देखिए, अ गोल्ड इज़ अ कॉस्टली मेटल, तो यहाँ पर हमारा जो गोल्ड है वो अनकाउंटेबल नाउन के तरीके से आया है, और इसके बाद कोई रेफर करता हुआ नाउन भी हमारे पास नहीं है। तो जब हमारे पास ना ही नाउन है, और ये जो नाउन है हमारा जो यहाँ पर है वो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी आपका आर्टिकल यूज़ नहीं होता, तो आप उसको गोल्ड को सिंगुलर प्लूरल नहीं बना सकते। गोल्ड एक ऐसा है जिसको आप किलोग्राम्स में कह सकते हो, 1 kg, अ केजी, जब आप किलो की बात करते हो, 1 kg सोना, तो वो तब काउंटेबल बन जाता है, लेकिन उसके बिना नाउन के जब आया हो तो उससे पहले आप आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते, वो आपका गलत हो जाता है। ये एग्जाम्पल्स देख सकते हैं आप, इन एग्जाम्पल से आपको आपके टेस्ट भी आएगा, जो सेंटेंस लिए जाएंगे वो इन्हीं इसी टेस्ट में से इसी में से लिए जाएंगे, इसी चैप्टर से लिए जाएंगे। द गोल्ड इज़ अ कॉस्टली मेटल, पीपल ड्रिंक अ वाटर, अ वाटर कभी नहीं होता, आप वाटर को लिमिट नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, जब आप कह रहे हो अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पर आपने ग्लास के आगे अ लगाया है, ना कि वाटर के आगे, तो वाटर कभी भी काउंटेबल नहीं है, पीपल ड्रिंक वाटर। तो आप ये एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो यूज़ है, अब हम द यानी डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ देखने वाले हैं। तो यहाँ पर ये
वीडियो अब इम्पॉर्टेंटली शुरुआत हो रही है, क्योंकि अब ये मिक्स हो जाएगा, क्योंकि आपने ऊपर जितना देखा था वो देखा था इनडेफिनिट आर्टिकल को, यानी ए और एन का यूज़। अब हम देखेंगे द का यूज़। तो देखिए, द का यूज़ पूर्व निर्धारित वस्तु या व्यक्ति से पहले किया जाता है। आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, वो चीज़ों से पहले होता है जिनको आप पहले से जानते हैं। इट मींस जो हमारा लिसनर होता है या फिर जो देखने वाला होता है वो उस चीज़ को पहले से जानता है कि एक्चुअल में, लाइक फर्स्ट एग्जांपल देखिए, ओपन विंडो। विंडो जो कि मुझे वहाँ पर जहाँ मैं खड़ी होंगी वहाँ पर मुझे दिख रही होगी, और जब मैं नोटिफाई करूँगी किसी को, अगर मैं इशारा करती हूँ उस विंडो को खोलने के लिए, तो उसे भी इंसान को वो फमिलियर हो जाएगा विंडो से। तो इसलिए जिस चीज़ को हम पहले से जानते हों या फिर जिनका इस्तेमाल पहले किया जा चुका हो, उससे पहले क्या होगा, हम सिर्फ द का जो होता है डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे उन नाउन से पहले। और नाउन, ये जो हम इनडेफिनिट के आर्टिकल की बात कर रहे थे अभी, तो जो हमारा द होता है, द आपका काउंटेबल नाउन के साथ भी आता है और अनकाउंटेबल यानी दोनों के साथ आ सकता है। जो हमारा द होता है वो दोनों के साथ आता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आएगा और आपका काउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन होती हैं जिनको आप गिन सकते हो, और काउंटेबल नाउन होती हैं जिनको आप नहीं गिन सकते। अनकाउंटेबल नाउन, यहाँ देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन को आप देख सकते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो पूरी जाति विशेष की विशेषता बताने के लिए भी द का यूज होता है। इट मींस जो किसी पर्टिकुलर स्पीस जो होती है, किसी जाति से, जाति विशेष से हम जब बात कर रहे होते हैं, द डॉग, द डॉग मीन्स, इट मीन्स जितने भी डॉग्स होते हैं सभी डॉग्स के बारे में बात की जा रही है। द टाइगर, इट मीन्स जितने भी टाइगर, इनकी पूरी कैटेगरी को बताया जा रहा है कि जितने भी टाइगर होते हैं, ये एक यूनिक क्वालिटी होती है कि जितने भी डॉग होते हैं, जैसे कहा जाता है कि जो डॉग होते हैं वो बहुत फेथफुल होते हैं, या फिर द चाइल्ड इज़ नॉटी, या फिर हम काऊ का ले लें, हम यहाँ पर टाइगर की क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम एक क्वालिटी बता रहे हैं इनकी कि कौन नॉटी है, कौन यूज़फुल है, कौन फेथफुल है, या कौन, यहाँ पर ये क्वालिटीज़ जो आ रही हैं, तो यहाँ पर एक क्वालिटी बताने के लिए टाइगर, इट मींस उनकी पूरी, जितने भी टाइगर्स होते हैं दुनिया में, जितने टाइगर्स हैं उन सबकी एक ही क्वालिटी है। डॉग है उनकी एक ही क्वालिटी है, और जितने भी बच्चे होते हैं, जैसे हम बच्चों को कहते हैं बच्चे बहुत शैतान होते हैं, तो मैं किसी एक बच्चे को रेफ़र नहीं कर रही हूँ कि मैंने यहाँ पर किसी एक बच्चे को रेफ़र कर दिया, यहाँ पर मैं दुनिया के जितने भी बच्चे होते हैं इस दुनिया में सबको रेफ़र कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, द का यूज़ होगा। द काउ इज़ ए यूजफुल एनिमल। वंस अगेन, काउ की जो गाय हैं उनकी पूरी की पूरी, जितने भी काउज होती हैं उन सभी का एक पूरा जो होता है एक क्वालिटी बताने के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, द का यूज़ जो दर होता है, दर माप हिसाब बताने के लिए भी किया जाता है। यहाँ पर देखिए, द लीटर, इट मीन्स जो हम किसी भी माप को बता रहे होते हैं उनसे पहले भी द का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट अपना रूल पढ़ लेते हैं। शुगर इज़ सोल्ड बाय द किलो, और लीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, तो उनसे पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल होता है क्योंकि उनको डेफिनेट बनाया जाता है। लेकिन इसके पहले ए और एन का यूज़ नहीं होगा, वो इनडेफिनेट हो जाते हैं, ये हमेशा डेफिनेट आर्टिकल होता है, इनडेफिनेट का यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट आप देखिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इट मींस जिनसे म्यूजिक जनरेट किया जाता है, उनसे पहले भी आपका उनको डेफिनेट करने के लिए उनको, उनके साथ द का यूज़ किया जाता है। जैसे दी हारमोनियम, द हारमोनियम, द गिटार, द तबला, तो इनसे पहले भी द का यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा रूल आ रहा है, किसी इन्वेंशन से पहले द का यूज़ होता है क्योंकि वो यूनिक होती हैं, लाइक द टेलीविज़न, द टेलीस्कोप, द टीवी और टेलीविज़न एक ही होता है, द सिनेमा, द रेडियो, द वायरलेस। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, यहाँ पर देखिए लिसन टू रेडियो ये नहीं होगा, लिसन टू द रेडियो होगा, लेकिन कभी कभी हमारा ऑन द रेडियो भी आ जाता है। तो कभी कभी कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब
हम यहाँ पर देखेंगे वॉच ऑन द टीवी और द टेलीविजन। तो जब भी हम किसी इन्वेंशन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उससे पहले हमारा द यानी एक डेफिनेट आर्टिकल यूज होता है। नेक्स्ट आप देखिए, हमने पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आप एज अ नाउन उसकी शुरुआत कर रहे हैं, किसी सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हैं, तो उसके पद से पहले पहले जब हम ए और एन की बात कर रहे थे वो एक जनरल शब्दों में कर रहे थे। जब हम किसी पद को इंट्रोड्यूस करते हैं कि एन एस एस पी, ठीक है, ही इज़, लेकिन जब हम इंट्रोड्यूस करें और जानते हों वो किसी व्यक्ति का पद है तो हम वहाँ पर द का यूज़ करते हैं। द एस पी हैज़ कम, द एस पी। यहाँ पर द नहीं बोला जाएगा, यहाँ पर दी एस पी बोला जाएगा। दी इसलिए बोला जाएगा क्योंकि ये आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो एस हो रहा है, तो दी एस पी यहाँ पर आएगा। जो अपना आपका प्रोनाउंसिएशन है उस पर भी आप खासा ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट आप देखिए, द डिसीजन वॉज टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर, बाय द चीफ मिनिस्टर। आप इसको बोलेंगे भी द चीफ मिनिस्टर। तो ये जो नेक्स्ट आपके ये देख सकते हैं आप, ये इन डेजिग्नेशन से पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है। नेक्स्ट आप देखिए, पार्ट ऑफ बॉडी, इन नामों से पहले भी आपका क्या यूज होता है, आपका हमेशा डेफिनेट आर्टिकल इट मींस द का यूज किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ही द पुलिस हिट हिम ऑन द हेड, लेकिन हमेशा ही आपका जो होता है वो ऐसे नहीं होता कि आपको इनको जब भी हम बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच की तो हमेशा द ही आए, एट भी आ सकता है, ऑन भी आ सकता है। तो आप हमेशा उन सेंटेंसेस को देखकर अपना जो सेंटेंस है वो बनाएंगे। नेक्स्ट आप देखिए, नंबर 8 को देखिए, जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन इट मींस कॉमन नाउन का यूज एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अर्थ में किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा होता है जब हम उन चीज़ों को देख ना सके, जिन चीज़ों को हम देख ना सके, कोई इंसान की स्पेसिफिक क्वालिटी, स्पेसिफिक क्वालिटी लाइक ऑनेस्टी या फिर, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉमन नाउन की। जब हम कॉमन नाउन का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अर्थ में करते हैं तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा किसी क्वालिटी को होना, इट मींस मैं उसमें एक जज को देखता हूँ, वो हमारे फ्यूचर का डॉक्टर है, मैं उस एक डॉक्टर को देखती हूँ। द मदर इन हर, कि वो इतनी अच्छी केयर करती है कि ऐसा लगता है जैसे कि उसकी बहन उसकी माँ जैसी है। जब हम इस तरीके के सेंटेंस बोलते हैं तब हम उस फील को बताने के लिए, उसको डेफिनेट करने के लिए, उस फील को डेफिनेट करने के लिए, स्पेसिफिक क्वालिटी को डेफिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, दो का इस्तेमाल करते हैं। आपका ये जो रहेगा ये टेस्ट में भी आपके इम्पॉर्टेंट है, तो आप इनको इग्नोर नहीं करना है, इन सेंटेंस को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका बता दूं मैं कि सुपरलेटिव डिग्री जो आपकी होती है उससे पहले हमेशा द का यूज़ होता है, उससे पहले हमेशा आपका डेफिनेट नाउन रहता है। लाइक अंकिता इज़ अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, इट मींस जब भी सुपरलेटिव डिग्री होती है तो सुपरलेटिव डिग्री की क्वालिटी ही यही होती है कि उससे पहले हमेशा द का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर देखिए, लेकिन द मोस्ट जो होता है वो सुपरलेटिव डिग्री की एक क्वालिटी होती है, लेकिन हमेशा नहीं, हमेशा नहीं होता। यहाँ पर देखिए, जब मोस्ट का प्रयोग अधिकांश के अर्थ में किया जा गया हो तो उसके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। अधिकांश से पहले जैसे कि ज़्यादातर बच्चे क्लास में नहीं आते, तो यहाँ पर द का यूज़ किया जा रहा है। द मीन्स होता है द मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, अधिकतर जो हमारी बर्ड्स होती हैं वे उड़ सकती हैं। इसके साथ द का यूज़ नहीं हो सकता, मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, इट मीन्स ये उनकी एक खासियत बता रहा है, तो उससे पहले आपका आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द बिल्कुल सही है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, लेकिन द जब भी एक क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा हो तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही नहीं होगा। Most birds can fly, ये sentence सही होगा। यहाँ पर आप next देखिए, next आपका है comparative degree से पहले भी, it means जब compare की जा रही हो, she is the stronger of the two girls, लेकिन ये सिर्फ comparative degree से पहले सिर्फ उस condition में आता है जब selection हमें selection करना हो, जब हमें किसी चीज़ का selection करना हो, उससे पहले क्या होता है हमारा the का use किया जाता है। She is the stronger ऑफ़ द टू गर्ल्स, उन दोनों लड़कियों में
किसी एक लड़की को स्ट्रॉन्गर यानी मजबूत बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर उस लड़की को जो है स्ट्रॉन्गर बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर उसको डेफिनेट किया गया है, उस क्वालिटी को डेफिनेट किया गया है, इसलिए यहाँ पर द का यूज़ हो रहा है। ये तीनों सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग जब एडवर्ब के, एडवर्ब मीन्स उसकी एडजेक्टिव और एज अ वर्ब दोनों की खासियत बता रहा हो तो उसके पहले द का यूज़ किया जाता है। जैसे द हायर यू गो द कूलर यू फील, जितना ऊपर आप जाएंगे उतना आप ठंडा फील करेंगे। तो जब इस तरीके के सेंटेंस आप देखें तो उनसे पहले द का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर देखिए, लेकिन कभी भी जब यहाँ पर ये देखिए आप, सॉरी यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपैरेटिव डिग्री का जब एडवर्ब के रूप में किया जाए, इस चीज़ का खासा ख्याल रखना है जब एडवर्ब की तरीके से किया जा रहा है, लेकिन जब एक स्ट्रेट कंपैरिजन हो रही हो तब उसमें द का यूज़ नहीं होता। देखिए इन सेंटेंस में स्ट्रेट कंपैरिजन है, शी इज़ बेटर देन यू, राइट, शी इज़ बेटर सिंगर देन यू, शी इज़ यहाँ पर होगा ही इज़ बेटर देन यू, ही इज़ बेटर सिंगर देन यू, यहाँ पर द का यूज़ नहीं होगा। जैसे यहाँ पर दिखाया है जब एक स्ट्रेट कंपैरिजन हो रही हो, सिर्फ द का यूज़ यहाँ पर तब होता है जब एज अ एडजेक्टिव ये इस्तेमाल किया गया हो। नेक्स्ट आप देख सकते हैं नंबर 12 को देखिए, जब यूनिक चीज़ों से पहले, यूनिक चीज़ें जो सिर्फ काफ़ी यूनिक होती हैं, जैसे द अर्थ, द सन, द स्टार्स, द यूनिवर्स, द वर्ल्ड, द मून, द इक्वेटर, ये सब एक यूनिक चीज़ है, तो इनसे पहले क्या होता है, इनसे पहले हमारा द का यूज़ होता है, इनको डेफिनेट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आप देखिए ऑर्डिनल एडजेक्टिव, इट मीन्स ऑर्डिनल नंबर्स से पहले भी द का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे द नेक्स्ट बस, द फर्स्ट, इट मीन्स जो हम ऑर्डिनल काउंटिंग्स भी आपने देखी होंगी, ऑर्डिनल काउंटिंग्स होती हैं हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनसे पहले हमेशा हमारा द का यूज़ होता है। लेकिन अगर आपका जो नेक्स्ट और लास्ट है ये किसी दिन, महीने, इनसे पहले आ जाता है तो यहाँ पर हमारा यूज़ नहीं होता। देखिए यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, जैसे द लास्ट वीक, यहाँ पर दिन के नाम से पहले इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये देखिए आई मेट सुमन द लास्ट ट्यूसडे, तब यहाँ पर नेक्स्ट और लास्ट से पहले, लास्ट और नेक्स्ट से पहले ये इस्तेमाल नहीं किया जाता। देखिए ये गलत हैं, ये सेंटेंसेस गलत हैं, ये वाला सेंटेंस सही है और आई मेट सुमन लास्ट ट्यूसडे, ये वाला सेंटेंस आपका सही है। तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा आप, यहाँ पर एट फर्स्ट भी सही होता है, एट द फर्स्ट गलत होता है, एट लास्ट सही है, एट द लास्ट गलत है। यहाँ पर देखिए अब आप कि यहाँ पर द का इस्तेमाल कैसे होता है, जब मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, बोथ ऑफ, हाफ ऑफ, नन ऑफ, ऑल द, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, इनके बाद हमेशा द का यूज़ किया जाता है। ऑल ऑफ द प्लेयर्स, इट मीन्स मोस्ट, सम, बोथ, हाफ, नन, इधर, नीदर, इनसे पहले अगर इनके बाद ऑफ आ रहा हो तो आपको द लगाना कंपलसरी हो जाता है। तो देखिए ऑल ऑफ द प्लेयर्स हैव कम, मोस्ट ऑफ द मनी वॉज स्पेंट, ईदर ऑफ द बॉयज इज एबल टू डू द सम। तो ये आपके सेंटेंस हैं जो आपके टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रूल आप देखिए, किसी प्रॉपर नाउन के बाद जब कोई एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन इट मीन्स किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु का नाम, कोई एडजेक्टिव उसी नाउन को क्वालिफाई करते हुए लगाया जाता है तो उस एडजेक्टिव से पहले द का यूज़ होता है। जैसे नेपोलियन, नेपोलियन एक वॉरियर थे तो नेपोलियन द वॉरियर, अशोक द ग्रेट, तो इनके बाद द का इस्तेमाल हमेशा किया जाता है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देख सकते हैं, द का प्रयोग व्यक्तियों के वर्ग अथवा जाति बताने के लिए किसी एडजेक्टिव से पहले किया जाता है, इट मीन्स द पुअर, द रिच। जब हम यहाँ पर द का इस्तेमाल कर रहे हैं इट मीन्स सभी, द ओल्ड, इट मीन्स सभी बूढ़े लोगों के बारे में बताया जा रहा है, इट मीन्स द ओल्ड, द डेफ, द लेम, द यंग, इट मीन्स जब मैं द यंग बोलती हूँ तो सभी यंगस्टर्स को मैं बोल रही हूँ, द ऑनेस्ट, जितने भी हमारे ऑनेस्ट पर्सन हैं उन सभी को बता रही हूँ।
नंबर 17 हम देखते हैं जब कंपैरिजन बताने के लिए सेम के पहले किया जाता है। सेम ये चीज क्या होती है कि कंपैरिजन अभी मना किया था, लेकिन यहाँ पर जब सेम जो वर्ड है कंपैरिजन बताते हुए वो आ जाए, दीज पेन्स आर द सेम एज यू सॉ इन द शॉप, इट मीन्स वो पेन जो मैं पहले भी देख चुकी हूँ, इट मीन्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई ऐसी चीज़ जिसको हम पहले से जानते हों उसके पहले हम द का यूज़ करते हैं, तो उन सभी चीज़ों से पहले द का इस्तेमाल किया जाता है, लाइक द सेम। यहाँ पर हम देख सकते हैं जब भी कोई idiom आ जाए, idiom से में आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, idiom या फ्रेज में आप कोई चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर हम देख लेते हैं नंबर 19 को बढ़ते हैं हम, जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि प्रॉपर नाउन से पहले द का यूज़ नहीं किया जा सकता। प्रॉपर नाउन होती है जैसे किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु का नाम, द दीपक नहीं हो सकता, लेकिन इसके एक्सेप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। जैसे हमारा किसी, यहाँ पर देखिए ये सारे के सारे नाम होते हैं, जब भी इनसे पहले हम बात करते हैं लाइक इसकी एक्सेप्शन है, इट मीन्स अपवाद है, किसी नदी के बारे में बात कर रहे हैं, सागर के बारे में बात कर रहे हैं, ओशन के बारे में, बे, गल्फ, कैनल, जब भी इन चीज़ों के बारे में बात होती है तो हमेशा द का यूज़ होता है। द गंगा, द सोन, द ब्रह्मपुत्र, या फिर हम किसी समुद्र के बारे में बात करते हैं, महासागर के बारे में बात करते हैं, बे यानी खाड़ी के बारे में बात करते हैं, कैनल्स नदियों के बारे में बात करते हैं, तो उनके पहले आपका हमेशा द का यूज़ होगा। यहाँ पर माउंटेन रेंजेस की हम बात करते हैं, माउंटेन रेंजेस इट मींस जब एक से ज़्यादा माउंटेन पीक वहाँ पर हो तो उससे पहले क्या होता है हमारा, माउंटेन रेंजेस की हम बात करते हैं। जैसे द हिमालय, वहाँ पर काफ़ी सारी माउंटेन्स जो पीक्स हैं वो वहाँ पर हैं, तो तब तो हमारा द का इस्तेमाल होता है। लेकिन कभी हम और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इट मींस जो भी ग्रुप होता है लाइक द वेस्ट इंडीज़, जो ग्रुप्स हैं उनको आप द ग्रुप ऑफ माउंटेन रेंजेस जो होते हैं, ग्रुप ऑफ माउंटेन पीक्स, उनसे पहले द का इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर इंडिविजुअल पीक के बारे में हम बात कर रहे हैं या इंडिविजुअल आइलैंड के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारा द का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पर देखिए इंडिविजुअल है काजीरंगा जो हमारा है, माउंट आबू है, ये हमारा इंडिविजुअल है, तो इनके पहले द का इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं कि किसी डेजर्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम, ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, एरोप्लेन के बारे में बात कर रहे हैं, शिप के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनके नेम से पहले हमेशा हमेशा द का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर देखिए नेशनैलिटी, फिजिकल पोजिशन, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन, फिजिकल इन्वायरमेंट, इनसे भी पहले आपका आर्टिकल द यूज़ किया जाता है। जैसे द फ्रेंच, फ्रेंच में रहने वाले सभी लोग, द इंग्लिश, इंग्लैंड यानी इंग्लैंड में रहने वाले सभी लोग, द इंडियंस, इंडिया में रहने वाले सभी लोग। ऑन फिजिकल पोजीशन की वो किस पोजीशन में है, ऊपर है, नीचे है, दाएं बाएं, यहाँ पर आपका इनसे पहले भी द का यूज़ होता है। एट द बॉटम, एट द टॉप। ज्योग्राफिकल डायरेक्शन की हम बात करें द ईस्ट, द वेस्ट। फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, रेन, फॉग, विंड, वेदर, सी साइड, इनसे पहले भी आपका आर्टिकल इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल द इस्तेमाल होता है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी, रिलीजियस कम्युनिटी, रिलीजियस बुक, आर्म्ड फोर्स, गवर्नमेंट ब्रांचेस, होटल और जो रेस्टोरेंट्स के नेम्स होते हैं, थिएटर, क्लब, म्यूजियम, न्यूज़पेपर, इन सब के पहले भी आपका आर्टिकल यूज़ किया जाता है। किसी डायनेस्टी के बारे में बात कर लें, किसी बिल्डिंग के बारे में बात कर लें, तो इनको आपको नोट करके रखना है। किसी इवेंट का होता है तो इन सबसे पहले, हिस्टोरिकल इवेंट इट मींस वो इवेंट्स जो किसी भी देश की परिस्थिति को बदल दिए हों, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन था या फिर इंडिया का हमारा क्रांतिकारी कोई भी 1857 का कोई जो मूवमेंट रहा, जो द क्विट इंडिया मूवमेंट जो महात्मा गांधी ने चलाया था, द बैटल ऑफ पानीपत, इवेंट से पहले भी आपका क्या इस्तेमाल होता है, हमेशा द का इस्तेमाल होता है। लेकिन ये हमारा जो नोट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब किसी, अभी मैंने ऊपर बताया किसी बिल्डिंग और इंस्टीट्यूशन के नेम से पहले हमारा हमेशा द का इस्तेमाल होता है, लेकिन जब
आपका कोई भी बिल्डिंग और इंस्टीट्यूशन का नाम दो ऐसे शब्दों से मिलकर बना हो जो आपका क्या हो, जिसमें एक शब्द किसी व्यक्ति का नाम हो और एक शब्द किसी स्थान का नाम हो, तो उसके पहले द नहीं लगाते। जैसे विक्टोरिया स्टेशन, विक्टोरिया एक नाम है, स्टेशन एक जगह है। तो इन दोनों को जब ये बना है, इन दोनों के नामों में जब ये बना है, यानी व्यक्ति और स्थान के नाम में ये होता है, तब यहाँ पर द का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे आप ये देख सकते हैं, जयपुर पैलेस, जयसिंह पैलेस, यहाँ पर जयसिंह नेम है और पैलेस स्थान है, तो इनके पहले हमारा क्या होगा, हमारा आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। ये कुछ पोजीशंस हैं जिनके अकॉर्डिंग हमारा आर्टिकल जो होता है वो रूल फॉलो होता है। अब आर्टिकल दोनों मैं बता रही हूँ, यहाँ पर इनडेफिनेट भी है, इनडेफिनेट और यहाँ पर ए एन, इनडेफिनेट मीन्स ए एन और द दोनों दिखाए जा रहे हैं। आर्टिकल के साथ नाउन आता है, एडजेक्टिव जब आ जाए तो आर्टिकल इनका फॉर्मेट रहेगा, आर्टिकल एडजेक्टिव और नाउन, इट मींस एन ऑनेस्ट। एडजेक्टिव क्या है, ऑनेस्ट होना एडजेक्टिव है। नाउन क्या है, हमारा टीचर होना नाउन है। यहाँ पर देखिए आर्टिकल, आर्टिकल एडवर्ब देन एडजेक्टिव देन नाउन, तो हमारा ये फॉर्मेट्स रहते हैं, ये आपको देखना है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपका, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, यहाँ पर आप देखिए आर्टिकल के बाद एडवर्ब आता है, एडवर्ब के बाद हमारा आता है एडजेक्टिव, देन हमारा नाउन। एडजेक्टिव एडवर्ब एडजेक्टिव देन नाउन। देन हम नेक्स्ट फॉर्मेट देखते हैं इसका, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारा आ रहा है सो टू एस हाउ के बाद हमारा क्या आता है, हमेशा हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हमारा अ आता है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर आप देखना चाहें इस फॉर्मेट को तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, लेकिन जो ऊपर रूल्स बताए गए हैं वो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सच एन आइडिया, सच अ मैन, व्हाट एन आइडिया, तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मेट रहता है, मैनी के बाद ए और एन, अकॉर्डिंग टू, ये हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बाद आता है। मैनी एन एक्ट्रेस, मैनी अ पेन, यहाँ पर देखिए ये बोथ के साथ जो फॉर्मेट रहेगा आर्टिकल का, बोथ के साथ इनडेफिनेट आर्टिकल यहाँ आया हुआ है। यहाँ पर ये देखिए और अदर, यहाँ से हम, ये इम्पॉर्टेंट है अब आपके टेस्ट के लिए, यहाँ से हम देख लेते हैं वे स्थितियाँ जहाँ आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता। इट मीन्स अब हम पढ़ने वाले हैं, अभी तक हमने कहाँ यूज़ किया जाता है वो देखा था, अब हम देख रहे हैं कहाँ यूज़ नहीं होता। इट मीन्स ज़ीरो आर्टिकल्स, नो आर्टिकल्स और ज़ीरो आर्टिकल्स। तो अब वीडियो आपको इम्पॉर्टेंटली देखना है, इट मीन्स वे किसी भाषा, रंग, सब्जेक्ट, इट मीन्स विषय में आर्टिकल यूज़ नहीं होता। इट मीन्स आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी, उर्दू एंड बंगाली, तो यहाँ पर अ और एन का यूज़ नहीं होता। इट मीन्स लैंग्वेज, कलर, सब्जेक्ट से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। सेकंड आप देख सकते हैं किसी बीमारी से पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आप देख सकते हैं किसी फीवर से पहले, यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है किसी भी फीवर से पहले, यहाँ पर किसी भी दिन के नाम से पहले, ये देखिए ही इज़ ऑन मंडे, इनसे पहले मार्च, दिवाली या महीनों के नाम से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा जो आपने जाना है कि कब होता है, तो आपके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कब नहीं होता। यहाँ पर देखिए जब कॉमन नाउन का प्रयोग बहुत ज़्यादा वाइडेस्ट सेंस में हो तो भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता, लाइक मैन इज़ एन इंटेलिजेंट और सोशल एनिमल, यहाँ पर मैन से पहले आर्टिकल नहीं है, वीमेन से पहले आर्टिकल नहीं है, काउ से पहले आर्टिकल नहीं है। इट मीन्स वाइडेस्ट सेंस में किया जाता है। मटीरियल नाउन जो होता है आपकी, मटीरियल इट मीन्स वाटर, एयर, ये मटीरियल नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन लाइक ऑनेस्टी, ऑनेस्टी आपका वर्च्यू, तो ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनसे पहले कभी भी आपका क्या नहीं होता, आर्टिकल यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट आप देखिए, लेकिन जब इन क्वालिटीज़ को हमें, इन मटेरियल को, किसी भी मटेरियल को जब डेफिनेट करना हो तब हम इसमें आर्टिकल का यूज़ लेते हैं, जैसे कि द गोल्ड ऑफ अलोक्स रिंग,
इट मीन्स द गोल्ड, जब मुझे इसको डेफिनेट करना है रिंग में, मैंने इसको डेफिनेट किया है, तो ये यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये एक डेफिनेट रिंग मैं इसको बता रही हूँ, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, ये द का यूज़ हुआ है। यहाँ पर मिल्क, वेयर इज़ द मिल्क, सुमन हैज़ बोट, मतलब जो ख़रीदा हुआ दूध था उसके बारे में बात हो रही है, पूरे मिल्क के बारे में बात नहीं हो रही है, सिर्फ जो ख़रीदा था, इट मीन्स एक लीटर दो लीटर। वी शुड अप्रिशिएट द ऑनेस्टी ऑफ द चेयरमैन, मैंने इस क्वालिटी को, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पर्टिकुलराइज कर दिया है, इसको लिमिट कर दिया है, डेफिनेट कर दिया है, इसलिए यहाँ पर द का यूज़ हुआ है। प्रॉपर नाउन से पहले मैंने आपको पहले ही बताया था कि आर्टिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन अगर इसका यूज़ प्रॉपर नाउन एक कॉमन नाउन की तरह है तो आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। लाइक अकबर वाज अ ग्रेट किंग, मुंबई इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। यहाँ पर आप नेक्स्ट में देख सकते हैं, शी लिव्स इन आगरा और ही इज़ अ शेक्सपियर, इट मीन्स वो यहाँ का अ ड्रामेटिस्ट लाइक शेक्सपियर, कि ये यहाँ के बिल्कुल शेक्सपियर हैं या फिर दे आर शेक्सपियर्स। कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ एशिया, जो कश्मीर है स्विट्ज़रलैंड, देखिए स्विट्ज़रलैंड नाम है, अगर मैं कंट्री के तौर पर लेती हूँ तो इसमें आर्टिकल द का यूज़ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर द यूज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये एक खासियत को, एक विशेषता को पर्टिकुलराइज किया जाता है। गेम से पहले कभी भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता। फ्रेजेज जो होते हैं उनके बाद आने वाले नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, फ्रेजेस के बाद आने वाले नाउन्स से पहले, लाइक टाइटल ऑफ, पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, इनके बाद कभी भी किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। अपॉइंटमेंट, मेड, नॉमिनेट, इलेक्ट, इनके बाद आने वाले नाउन से पहले कभी भी इस्तेमाल नहीं होता। कुछ नाउन के पहले आर्टिकल उस स्थिति में नहीं किया जाता जब उनके वहाँ जाने का उद्देश्य वही हो, जैसे स्कूल हो गया, चर्च हो गया। देखिए यहाँ पर शी गोज टू द टेम्पल एट 5, वो 5 बजे मंदिर जाती है, क्योंकि उसका जो पर्पस है वो सेम है, वहाँ जाने का उद्देश्य वही है, तो उस स्थिति में यहाँ पर द का यूज़ नहीं किया जाएगा। ऊपर देखिए रूल में लिखा हुआ है, जब उद्देश्य जाने का वही हो जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है, क्योंकि टेम्पल का निर्माण किस लिए किया गया है, प्रेयर के लिए, तो फॉर द पर्पस ऑफ प्रेयर जब किया जाता हो। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट 10 AM फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी, जब कोई व्यक्ति मंदिर सिर्फ प्रेयर के लिए जा रहा है तो वहाँ पर आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए, परंतु इन स्थानों पर जाने का उद्देश्य कोई दूसरा हो तो इनके पहले क्या होता है, आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। आई फाउंड हर नियर द चर्च, मतलब कोई ऐसा पॉइंट जो हम पहचान बताने के लिए करें, कि मैं जैसे पर्टिकुलर स्कूल के बाहर आपको मिलूंगी, आई विल मीट यू एट द, किसी भी स्कूल या कॉलेज का नाम आप ले लीजिए, एट द सेंट चर्च कॉलेज, तो तब वहाँ पर द का इस्तेमाल होगा, या फिर आई विल मीट यू नियर द टेम्पल, मैं आपको मंदिर के बाहर मिलूंगी या मंदिर के पास मिलूंगी। आई सेट ऑन द बेड, मैं यहाँ पर इनको, इनका जो उद्देश्य है वो दूसरा है, इसलिए इनके पहले द का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर कुछ और रूल भी हैं आपके लिए, भोजन के नाम से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, लाइक आई हैड अ लंच। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्टिव का अगर यूज़ किया गया हो और उसके पहले क्या यूज़ हुआ हो, ए एन का यूज़ हुआ तो पर्टिकुलराइज किया हो तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। दे अरेंज्ड अ नाइस डिनर, एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो, ध्यान से सुनिए, और उसके पहले ए एन का प्रयोग किया गया हो, अ नाइस डिनर, तो इससे पर्टिकुलराइज किया गया है, इट मीन्स इसके बाद द का यूज़ किया जाएगा। ये एग्जाम्पल्स देखिए आप, जो आपके टेस्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये है कि इसमें आपको पूरा जो कवर है मैंने किया है। यहाँ पर यातायात के साधन, इट मीन्स मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और जो भी यहाँ पर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उनसे पहले कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जैसे और ख़ास तौर से जब वो बाय के बाद आ रहे हों, बाय एन एरोप्लेन नहीं होगा, बाय अ कार नहीं होगा, सिंपल हो सकता है आई वेंट देयर, बाय कार, कार होगा, बाय अ कार नहीं होगा, लेकिन जब बाय शब्द नहीं हो तो आप आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, द कार, ये आ गया। शी इज सिटिंग इन द कार, कैच द बस,
कैच अ बस, ये सभी आपका यहाँ पर आर्टिकल सिर्फ बाय अगर आया हो, अगर यहाँ पर बाय होता तो आप क्या होते, तो आप यहाँ पर नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पर बाय आ चुका है तो बाय नहीं आया है, इसलिए आपने क्या लगाया है यहाँ पर आर्टिकल का इस्तेमाल किया है इन्हें डेफिनेट करने के लिए। यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं जिनको आप आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते, मैन टू मैन ये होते हैं, इनको आप एक जनरल लुक ले सकते हैं लेकिन ये आपके लिए इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर सिर्फ अब तीन रूल बचे हैं, यहाँ पर हम एंड की तरफ हैं वीडियो के, तो यहाँ पर इन अ गुड कंडीशन और इन अ बैड कंडीशन जो हम अमूमन बोलते हैं वो गलत सेंटेंस बोलते हैं। इससे पहले जब भी हम किसी स्टेट के बारे में बात करते हैं तो उनसे पहले अ का यूज़ नहीं होता, लाइक माई शूज़ वर इन गुड कंडीशन, तो अ का यूज़ आप उसको इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। देखिए नेक्स्ट आप नंबर टू, हेल्थ होमवर्क वर्क पेपर मर्सी पीटी न्यूज़, इनसे पहले ए एन का यूज़ कभी नहीं होता। यहाँ पर देखिए आंसर बोट सैलरी जर्नी क्लाइमेट पेपर, इन सबसे काउंटेबल नाउन के अंतर्गत जो भी आते हैं उनसे पहले आपका ए एन का प्रयोग किया जाता है। ये एग्जांपल्स आपके हैं जो कि आपके एग्जांपल्स आपके टेस्ट के लिए, ये टेस्ट के लिए आपके इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, सिर्फ तीन रूल और बचे हैं हमारे, कि जो हमारी इंग्लिश होती है उसमें कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके साथ हमेशा द का यूज़ किया जाता है, तो उन शब्दों का अर्थ जो होता है प्लूरल होता है। जैसे द डेड, डेड मीन्स जो मरे हुए लोग हैं, ऑल द डेड पीपल, जो भी वहाँ पर डेड लोग हैं, मैं पहले भी इनको बता चुकी हूँ, द हैंडीकैप, द मेंटली इल पीपल, इट मीन्स सभी मेंटली इल पीपल। यहाँ पर आप इन रूल्स को देख सकते हैं, ये इनके पहले अगर, ये इम्पॉर्टेंट है आपके टेस्ट के लिए, द पोस्ट जॉब रैंक के बाद अगर ऑफ आया हो और उसके आने वाले नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा होता, देखिए ये द पोस्ट ऑफ अ डायरेक्टर, तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल नहीं लगाया जाता, यहाँ पर राजेश एक्सेप्टेड द जॉब ऑफ हेडमास्टर, पोस्ट ऑफ डायरेक्टर, द डायरेक्टर नहीं होगा। नेक्स्ट आपका देखिए, जब पढ़ाने के लिए स्कूल कॉलेज जाया जाता था तो उससे पहले द का यूज़ नहीं होता, जैसे कि मैं ऊपर भी आपको बता चुकी हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल आपका सिर्फ एक ये है, यूएसए, यूके और यूएसएसआर, ये तीन कंट्रीज ऐसी हैं इनसे पहले द का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपके टेस्ट के लिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये टेस्ट के लिए है। तो वीडियो कुछ थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन आई होप, क्योंकि आपके टेस्ट की एक्सरसाइज अब यहाँ से शुरू हो रही है, ये आपकी टेक्स्ट जो टेस्ट रहेगा आपका उसकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर वन, एक्सरसाइज नंबर टू। यहाँ पर ये देखिए एक्सरसाइज में ये जो आपकी क्वेश्चंस हैं ये आपके टेस्ट में आएंगे आएंगे, और आपके एग्ज़ाम के लिए भी यही क्वेश्चंस में, यही क्वेश्चंस रहेंगे। एक्सरसाइज नंबर थ्री, इन सब के आंसर्स आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे, और जहाँ भी क्रॉस का निशान है, कुछ आंसर्स में आप देखेंगे कि इस टाइप से क्रॉस का निशान है, इसका मीनिंग है नो आर्टिकल्स। और यहाँ पर एक और तरीके से नो आर्टिकल्स बताया है, इट मीन्स एन ए, एन ए मीनिंग भी आपका नो आर्टिकल है, या फिर क्रॉस के निशान से बताया है। ये देखिए ये नंबर 19 पे ख़त्म हो रहा है यहाँ पर, तो नंबर 20 यहाँ से शुरू हुआ है, ये नंबर 20 शुरू हो गया आपका, ये पूरा का पूरा आपका नंबर 20 से शुरू है। यहाँ पर ये आपके, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है, लेकिन ये क्योंकि यहाँ पर मुझे ब्लर दिखाई दे रही है तो इसको आप छोड़ सकते हैं, ये इस एक्सरसाइज को हम नहीं लेंगे, जो 5 और 6 है। यहाँ पर आप देख लीजिए, इट मींस जो हमारी नंबर 6 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 6 रहेगी आपकी, ये आपकी है एक्सरसाइज नंबर 6। एक्सरसाइज नंबर 6 में आपको जो क्वेश्चन 11 से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका क्वेश्चन 11 से स्टार्ट हो रहा है, 11 से 41, ये जितना आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये सब आपके टेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको आंसर्स दिखाई दे रहे हैं, आंसर नंबर, आंसर आपके जो एक्सरसाइज 1 के आंसर्स हैं, ये आपके एक्सरसाइज 2 और 3 के आंसर्स हैं। इस वीडियो को यहीं पॉज करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो अभी मैंने बताई थी एक्सरसाइज 5, जो आपको मैंने मना किया है कि क्योंकि वो ब्लर हो रही है, अगर आपको दिख जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन मैं उसमें से आपको टेस्ट नहीं दूंगी। एक्सरसाइज 6, ये
ये आपके आंसर्स हैं जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपके जो आज का हमारा आर्टिकल्स का वीडियो था वो इतना ही, इसमें सभी रूल्स को मैंने कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा उसको लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। और आप लोग अपने कमेंट करना ना भूलें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो बाय बाय।